विटामिन डी हुआ था, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हुआ था, कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल हुआ था। इससे रोग हो गया रिकेट्स, रिकेट्स हो गया, रिकेट्स हो गया, रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग जो बच्चों में होता है। मैं आपको बता दूं कि सूखा रोग जैसे सूर्य का सबसे अच्छा विटामिन डी का जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, और इसे हम बोलते हैं सनलाइट विटामिन डी बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में कैल्शियम होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है मोर देन 300 या 306 और वयस्कों में 206 होता है, 206 होता है। आखिर में कैसे घटता है, देखिए छोटे बच्चों की हड्डियों में क्रैक्स होती है, दरारें होती है, जो कैल्शियम के जमने के कारण धीरे धीरे वो जैसे ही उम्र बढ़ने के साथ वो जुड़ती चली जाती है, इसलिए वयस्कों में 206 हड्डियों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आता है, वयस्कों में पूछ लेगा कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में एक रोग होगा, उस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियो मलेशिया। ध्यान देना, ये महिलाओं में ज्यादा होता है, ये महिलाओं में ज्यादा होता है क्योंकि गर्भ धारण के दौरान बच्चों को कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण से होता है। ये सबको नहीं होगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या काम काज की महिलाओं में नहीं, ये उनको होता है जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, प्रॉपर वे में एसी कमरे में रहना, एसी ऑफिस में रहना, जिनका की स्किन सीधे रूप से सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। तो बच्चों में तो सूखा रोग हो गया, मछलियों के तेल में ज्यादा मिलता है विटामिन डी। अब आ गया विटामिन, इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, धूप की विटामिन डी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन ई की, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा बाबू, टोकोफेराल। क्या होगा, टोकोफेराल। इससे कमी होती है नपुंसकता, स्टेरिलिटी, बांझपन, ये स्त्री और पुरुष दोनों में होने वाले रोग हैं। इसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से